हेलो बच्चों, आज फिर से हम लोग क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें हम लोग नया वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं ये बहुत बेहतरीन वीडियो है। क्यों वीडियो ये बेहतरीन है? क्योंकि हम लोग 2021 है उसका जो नीट का प्रीवियस ईयर है उसका हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये डिस्कशन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वैसे तो ढेर सारे आपने वीडियोस देख रखे होंगे। महत्वपूर्ण सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये जो वीडियो का जो मेन मकसद है वो आपको सिर्फ ये बताना है कि एनसीईआरटी कितना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अभी आप देखेंगे जितने भी एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी के सभी एनसीईआरटी का पेज आपको क्रॉप किया हुआ लगा होगा, और उस एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन पूछा गया है वो आप देखेंगे। तो इसके हम दो वीडियो लेक्चर बनाने वाले हैं। पहला फर्स्ट लेक्चर आपको 25 क्वेश्चन का मिलेगा, इसके बाद नेक्स्ट 25 क्वेश्चन का मिलने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। ये 2021 का पेपर है। एनसीईआरटी में क्या लिखा है और क्वेश्चन क्या आया है तो देख लीजिएगा, बिल्कुल आसान है, बहुत ज्यादा हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देख लीजिएगा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द, क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या कह रहा है क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है आपका, हाँ क्वेश्चन कह रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर राइट रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीबी। सीपी और सीबी में रिलेशन पूछा गया है क्या है, किसके लिए? देखिए वन मोल, देखिए यहां पे ये भी चीज है, वन मोल आइडियल गैस के लिए। अब देखिए आइडियल गैस के लिए इन्होंने एनसीईआरटी में लिखा है द रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीबी। ये एनसीईआरटी का पेज है। क्या उन्होंने लास्ट में निकाल के रखा है सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर। तो यहां पे आंसर आपका हो जाएगा सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर। ठीक, ये मुझे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पूरा एनसीईआरटी में सॉल्व किया हुआ लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें तो क्वेश्चन अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 52 में क्या कह रहा है द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर। देख लीजिए लिखा हुआ है बॉडी सेंटर यूनिट सेल इन ऑल 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस। 14 टाइप के ब्रेविस लैटिस होते हैं, उनमें बॉडी सेंटर कितने हैं? ठीक, इसमें बॉडी सेंटर आपके कितने हैं इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो देख लीजिएगा प्लीज बॉडी सेंटर्ड कितने हैं, आप देखिएगा ये टेबल बना हुआ है एनसीईआरटी का है, बॉडी सेंटर्ड कितने होते हैं। देखिए क्यूबिक में एक होता है बॉडी सेंटर्ड, ये देखिए एक, दूसरा टेट्रागोनल में एक बॉडी सेंटर्ड होता है, तीसरा ऑर्थो में ऑर्थोरोम्बिक में बॉडी सेंटर्ड होता है, इसके बाद अगर आप देखें तो कहीं पर भी बॉडी सेंटर्ड नहीं दिख रहा, तो आंसर हो जाएगा थर्ड बॉडी सेंटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है नोबल गैसेस आर नेम्ड बिकॉज देयर इनर्टनेस टुवर्ड्स रिएक्टिविटी। देखिए नोबल गैस का नाम जो दिया गया है क्यों? क्योंकि ये इनर्टनेस इनके अंदर पाई जाती है। साफ दिख रहा है नहीं? ठीक, इनर्टनेस पाई जाती है इनके बारे में। तो इसके लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहली बात देखेंगे इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। एनसीईआरटी क्या कहता है केमिकल प्रॉपर्टी के लिए, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, इन जनरल नोबल गैसेस आर लीस्ट रिएक्टिव। क्या है? लीस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक, देयर इनर्टनेस टू केमिकल रिएक्टिविटी आर एट्रिब्यूटेड टू द फॉलोइंग रीजन। ठीक, आगे इन्होंने क्या बताया है तो देखते हैं। इसके लिए अगर हम बात करें तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो यहां पे इन्होंने एक चीज और भी लिखी हुई है, मुझे लगता है पेज में कुछ गड़बड़ी हो गई है। आगे इन्होंने इसमें और पॉइंट लिखे हुए हैं कि इनमें इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहला है नोबल गैसेस आर स्पारिंगली सॉल्युबल इन वाटर। हाँ, बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, बात तो सही है। इसके बाद नोबल गैसेस हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या कह रहा है?
वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। भैया आपको पता होना चाहिए कि इनके लिए जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, बहुत ही लो है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है, लो होता है, क्योंकि इनके अंदर मॉलिकुलर फोर्स जो लगना चाहिए वो नहीं लगता, वीक डिस्पर्सन फोर्स लगता है। मुझे लगता है थोड़ा सा पेज में गड़बड़ी हो गई है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है साफ, दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट्स। याद रखना लो बॉइलिंग पॉइंट्स, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और आगे मेल्टिंग पॉइंट वो थोड़ा सा कट गया है, लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता, तो यही स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। ये क्वेश्चन कह रहा है मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ टू ब्रोमो पेंटेन। देखिए टू ब्रोमो पेंटेन से क्या बनेगा, पेंट डैश टू डैश इन। क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास है एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, और ये है टू ब्रोमो। चलिए भैया टू पे ब्रोमो लगा दिया, पेंटेन है, ओके, एक 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 एक, यहाँ पे हाइड्रोजन है, 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 यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और ये कह रहे हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करना है। मान लीजिए कंसंट्रेटेड आपने H2SO4 डाल दिया तो क्या करेगा, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करेगा और एल्कीन बनाएगा। कह रहा है कि पेंटीन बनता है CH3, CH डबल बॉन्ड, CH और CH2 और CH3, ये बनता है। भाई साहब कह रहे हैं कि ये किसके आधार पे है, तो ये साफ लिख रहे हैं यहां पे, देखिए टू ब्रोमो पेंटेन लिखा है और दे रहा है पेंट डैश टू डैशिन, यही दे रहा है। कारण क्या है, ये मेजर प्रोडक्ट बनता है किसके अकॉर्डिंग, यहां पे लिखा हुआ है सेटजेफ, ये देखिए लिखा हुआ है सेटजेफ, या इसको हम जेस्टेफ भी कहते हैं, सेटजेफ या जेस्टेफ भी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा सेटजेफ इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं 65 नंबर देखते हैं, सॉरी ये 55 नंबर में देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कंपाउंड विच सो मेटामेरिज्म, कौन ऐसा है जो मेटामेरिज्म को सो करता है, मेटामेरिज्म को कौन सो कर सकता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मेटामेरिज्म देखिए, मेटामेरिज्म होता क्या है, मेटामेरिज्म वही सो कर सकता है जिसमें लेफ्ट और राइट साइड पे एक से ज्यादा कार्बन होते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में डायरेक्ट कहाँ लिखा है, मेटामेरिज्म का डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है। डायरेक्ट एग्जाम्पल क्या है, ये देखिए डायरेक्ट, ये देखिए ये लिखा हुआ है C4H10O, देख लीजिएगा यहाँ पे C4H10O, ये दो रूपों में पाया जा सकता है। कैसे, एक बार हम बना सकते हैं CH3CH2O CH2CH3, दूसरा बना सकते हैं ये वाला इधर ले जाए या ये वाला इधर कर दें, तो CH3O CH2CH2 और CH3, ये मेटामेरिज्म शो कर सकता है, बाद बाकी कोई नहीं, इसका आंसर ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है BF3 इज प्लेनर, हाँ ठीक है BF3 प्लेनर होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए, देखिए BF3 का स्ट्रक्चर है, अगर आप देखें तो बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से इसने शेयरिंग कर दिया तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं 6, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है, बिल्कुल सही है। हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो हमें मालूम है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, क्योंकि 3 सिंगल बॉन्ड है, लोन पेयर कोई है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और हाइब्रिडाइजेशन है sp2, तो आप देख पाएंगे 56 का आंसर आपको देखने को मिलेगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगर आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 कह रहा है द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट टिंडल इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय, देखिए टिंडल इफेक्ट कहां पे है, किसमें पाया जाता, तो देख लीजिएगा साफ कह रहा है वेरियस प्रॉपर्टी एग्जिबिटेड बाय कोलाइडल सॉल्यूशन डिस्क्राइब, कोलाइडल सॉल्यूशन को कौन कौन सी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता है, तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए,
तो सबसे पहला है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। इसके आगे दिया गया है टिंटल इफेक्ट, इसके आगे और भी कई एनसीईआरटी में पॉइंट दिए गए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि जो टिंडल इफेक्ट शो करेगा वो जनरली कोलाइडियल सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? कोलाइडियल सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि कोलाइडियल पार्टिकल बड़े होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। तो यहाँ पे बड़े पार्टिकल किसके होंगे? क्या यूरिया के होंगे? नहीं। स्टार्च होंगे? हाँ, ये हो सकता है। ग्लूकोज? ये भी नहीं। एनएसए? तो आंसर हो जाएगा स्टार्च इज द करेक्ट आंसर, ठीक। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, देखिए 58 नंबर क्या कह रहा है। 58 नंबर कह रहा है अमंग द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड्स, देखिए एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड्स की बात कर रहा है, कोवेलेंट होने चाहिए सॉल्वेंट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऐसा एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल होते कौन से हैं बेटा? हमें मालूम है एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, अर्थ मेटल, ओके, अच्छी बात है। लेकिन बेरियम उसमें एक्सेप्शन है, ठीक, एल्कलाइन अर्थ मेटल में। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा उसमें जब रखा है तो हम मान भी सकते हैं। क्या कह रहा है एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए कि कोवेलेंट कंपाउंड होना चाहिए और सॉल्वेंट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जाहिर सा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो हमें फाजान रूल लगाना है कि जैसे जैसे साइज छोटा होता जाएगा कैटाइंस का, तो क्या होगा, उसके अंदर पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, और पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी तो उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली सॉल्वेबल होगा। तो साफ एनसीईआरटी लिखा है बेरिलियम हैलाइड्स आर एसेंशियली कोवेलेंट, हाँ कोवेलेंट भी होता है, और सॉल्वेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, देख लीजिएगा सॉल्वेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल, देखिए हाईली प्योर मेटल विच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, याद रखना ये किससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो समझ लीजिएगा प्लीज किससे हम लोग निकालेंगे। तो यहां पे जॉन डिफाइनिंग मेथड के लिए इन्होंने लिखा हुआ है, किसके लिए लिखा हुआ है, जॉन डिफाइनिंग मेथड के लिए लिखा हुआ है। और अगर हम देखें यहां पे, तो यहां पे जॉन डिफाइनिंग मेथड के लिए अगर हम बात करें तो प्लीज देखते हैं हम लोग जॉन डिफाइनिंग मेथड, तो क्या कह रहा है, ये देखिए जॉन डिफाइनिंग मेथड क्या रहा है, यहां पे लाइन लिखी हुई है दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर अदर मेटल ऑफ वेरी हाई प्योरिटी, कौन कौन से, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन एंड गैलियम इंडियम, ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये इनके लिए। तो हमें मालूम है कि जॉन डिफाइनिंग मेथड से हम वेरी हाईली प्योर मेटल को निकाल सकते हैं, जनरली जो आपके रूम टेम्परेचर पे होते हैं, ठीक। तो ऐसे मेटल जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में है और उनको अगर हम प्योर फॉर्म में निकालना चाहते हैं तो किस मेथड का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक, किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे आप बात करें तो लिक्विड में अगर है तो सिंपल अगर हम देखें तो डिस्टिलेशन का करेंगे, किसका करेंगे, डिस्टिलेशन, तो यहां पे आंसर हो जाएगा डिस्टिलेशन। अगर इनमें से कोई ऑप्शन होता तो आप कहते कि वो आंसर हो जाएगा आपका जॉन रिफाइनिंग, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 60 नंबर, तो 60 नंबर में अगर हम देखें तो 60 नंबर देखो बिल्कुल आसान है, एनसीईआरटी कह रहा है कि ए से बी में कन्वर्जन है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इतना रिलीज कर रहा है, रिलीज करने का मतलब है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, यानी कि ए जो है ऊपर होगा, रिएक्टेंट ऊपर होगा और प्रोडक्ट नीचे की तरफ होगा। तो देख लीजिए कौन सा एग्जांपल है, अगर आप देखें तो यहां पे लाइन करें ये हो सकता है, ये वाला कभी नहीं हो सकता, ये वाला बराबर है और ये वाला एब्जॉर्ब कर रहा है, तो आंसर इसके हिसाब से ये होगा क्योंकि एनसीईआरटी में एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए दिया गया। और आपको ध्यान देने वाली बात है कि इसमें आपको ये नहीं जो वैल्यू दिया गया है कि इससे आपको शो करना है, बनाना है, ऐसा कुछ नहीं, सीधा सीधा यहाँ पे बोला है कि एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, एनर्जी रिलीज करेगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक का एनसीईआरटी में ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड
बाई एडिशन पॉलीमराइजेशन। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। उसमें अगर आप देखें तो पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन की बात कर रहा है, जिसको हम लोग टेफ्लॉन कहते हैं, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड बड़े आराम से ब्रेक कर जाएगा और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और वो एडिशन पॉलीमराइजेशन कर लेता है। तो आप देखिएगा आंसर है टेफ्लॉन। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 62 क्या कह रहा है, देख लीजिएगा प्लीज। यहाँ पे परऑक्साइड लिखा हुआ है, परऑक्साइड कैसे हम पहचान बता देते हैं, C6H5 देखिएगा C6H5। ये देखिए परऑक्साइड बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे, ये परऑक्साइड है। और हमें मालूम है कि यहाँ पे एंटीमार्क कौन कब लग जाएगा, कभी भी एल्कीन दिया गया हो और HBr लिखा हो और यहाँ पे परऑक्साइड लिखा हो, तो कंडीशन बन जाती है कि यहाँ एंटीमार्कोनी कब लगेगा। और यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है कि परऑक्साइड अगर हमारे पास है तो उसको हम परऑक्साइड इफेक्ट कहेंगे या खराश इफेक्ट कहेंगे। सेम टू सेम आप देख लीजिएगा, इसके पीछे ये लगा हुआ है, वो अलग बात है क्या लगा हुआ है। इसमें आप देखिएगा Br यहाँ चला जाता है और H यहाँ चला जाता है, ठीक वैसे यहाँ पे CH2 पे चला जाएगा Br और H चला जाएगा यहाँ पे। तो देख लीजिएगा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, तो आंसर इसमें हो जाएगा फर्स्ट वन। तो 62 का इसमें आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, इस ये तो बहुत आसान है, ये लिखा हुआ है कि बॉयस लॉ के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। बॉयस लॉ के लिए इन्होंने ग्राफ दिया है एनसीईआरटी में, वही उठा के यहाँ पे रख दिया है, तो आप देख पाएंगे आंसर क्या हो जाएगा 63 का। आप देख लीजिएगा प्लीज, 200 400 600 200 400 600 लेकिन उनमें जनरली मेन मेन पूछे जाए तो तीन होते हैं, कौन कौन से, एक तो स्क्यू होता है, एक होता है आपका स्टेगर्ड, एक होता है आपका इक्लिप्स। इनमें से जब एंगल सबसे कम होगा तो वो सबसे हाईली अनस्टेबल होगा, क्योंकि उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। तो यहां पे लिखा है इन्होंने, लिखा है कि इक्लिप्स फॉर्म द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स कम्स क्लोजर ईच अदर, रिजल्टिंग इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्शन, टू चेक द इंक्रीज रिपल्सिव फोर्सेस ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव पजेस मोर एनर्जी एंड लेसर स्टेबिलिटी। देखिए पूरा उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, तो एंगल जीरो होना चाहिए, ठीक है, एंगल होना चाहिए जीरो। इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट 65 कह रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 78% वही वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। 78% कार्बन है, बाद बाकी हाइड्रोजन है। राइट ऑप्शन फॉर्मूले का बताना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो 65 के लिए अगर हम देखें, तो 65 के लिए अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, तो हम इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, एक तो टेबल बना के लगा सकते हैं, टेबल बना के अगर ना लगाना चाहे तो हम आंसर चेक कर सकते हैं। तो आंसर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर हम कार्बन का परसेंटेज की बात करें, किसकी, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे, कार्बन का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। अगर आप देखें तो ये 90 के करीब जाएगा, 78 नहीं आएगा, तो हमें आना चाहिए कितना, 78। अगला निकालें हम कार्बन का परसेंटेज, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 अपॉन 14 इनटू 100। इसका भी लगभग 85 के करीब रहेगा, तो ये भी आंसर है। इसका अगर हम देखें परसेंटेज ऑफ कार्बन, बोलो बेटा तो कैसे आएगा, कार्बन का 12 अपॉन 15 इंटू 100। इसके लिए देखें तो 3 × 12 = 15, इससे ये कट करते हैं तो क्या आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 80। हालांकि 78 नहीं दिया है लेकिन 80 सबसे ज्यादा करीब में यही आंसर है, तो आंसर हो जाएगा आपका CH3। फॉर्मूला यहाँ पे उन्होंने परसेंटेज चेक करने के लिए दिया गया है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना अचीव किया जा सकता है, एनसीईआरटी में आप देखिएगा 2170 के करीब दिखाया है, थोड़ा सा और अगर बढ़ा लें तो लगभग 2200-2300 तक मैक्सिमम पहुंच सकता है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ये, जबकि एरन के नोट्स में उन्होंने 5000 केल्विन टेम्परेचर दिखाया जो कि गलत है और एनटीए ने यही माना है, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम, ये कह रहा है फॉलोइंग सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द डिसॉल्विंग, देखिए 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 250 मिलीलीटर जिसका प्रेशर है P1, 10 ग्राम ऑफ यूरिया जिसका 250 मिलीलीटर है प्रेशर है P2, और 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज आप 250 मिलीलीटर है जिसका जो पार्शियल प्रेशर है वो है आपका पार्शियल प्रेशर ही यहाँ पे शायद दिया गया है, ओके हाँ प्रेशर दिया गया, तो P3 है। द राइट ऑप्शन फॉर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया, सॉरी P1 P2 P3 क्या है यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है, P1 P2 P3 यहाँ पे क्या है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा, देखिए ये चीज डिपेंड करता है मास के ऊपर, नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर, जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक। अच्छा एक चीज और भी इस पे डिपेंड करता है, क्या अब ऑस्मोटिक प्रेशर हमें मालूम है, फॉर्मूला क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इक्वल्स टू सीआरटी, डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है पाई इक्वल्स टू सीआरटी, तो नंबर ऑफ पार्टिकल किसके ज्यादा होंगे क्योंकि मास तो सबका बराबर है वॉल्यूम तो सबका बराबर है, तो पार्टिकल उसके सबसे ज्यादा होंगे जिसका मास कम होगा, मॉलिक्यूलर मास कम होगा, मास तो सबका बराबर है मॉलिक्यूलर मास कम होगा, तो मॉलिक्यूलर मास अगर आप देखें तो इसका सबसे कम है, उससे ज्यादा अगर आप देखें तो उससे ज्यादा इसका है और सबसे ज्यादा इसका है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा इसके होंगे उसके बाद इसके होंगे और सबसे कम इसके होंगे, तो वैसे ही पार्शियल प्रेशर हो जाएगा P2 सबसे ज्यादा, P1 उसके बाद और P3 सबके बाद, तो आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है जिर्कोनियम जिसका एटॉमिक नंबर 40 है, हाफनियम जिसका एटॉमिक नंबर 72 है, सिमिलर एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई होता है, एटॉमिक रेडियाई अगर बात करें जिसकी एटॉमिक रेडियाई किसकी कितनी होती है 160 पिकोमीटर होती है बेटा, और इसकी कितनी होती है 159 पिकोमीटर होती है, देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है इनके एटॉमिक ये देखिए सिमिलर हाफनियम का और जिर्कोनियम का सिमिलर होता है, समझ में आ रहा, कारण क्या है कारण है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या है ये देखो ऊपर कारण भी लिख दिया है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो आंसर हो जाएगा ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगर हम, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, NaCl का मोलर कंडक्टेंस, HCl का मोलर कंडक्टेंस, CH3COOH Na का मोलर कंडक्टेंस, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इन्होंने लिख दिया है NaCl का इतना है HCl का इतना है और CH3COOH Na का इतना है respectively, okay? The molecular conductance of CH3COOH at infinite dilution, choose the correct option or your answer. भैया ये NCERT से example number 3.8 उन्होंने electrochemistry से उठा के रख दिया है, answer देख लीजिएगा please 390.5, तो आप सीधा सीधा ये कर सकते हैं, समझ में आया। Next question, इसको मुझे लगाने की जरूरत नहीं है। राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल देखिए प्लीज, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल, देखिए एनसीईआरटी क्या कहता है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे वो अगर n है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड उसके डबल संख्या के बराबर होंगे, तो हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो z की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, z वहां पे होता है 6 और उसके डबल हो जाएंगे टेट्राहेड्रल वॉइड 6:12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए ये तो बिल्कुल आसान है, पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो के लिए उन्होंने फ्रीक्वेंसी दे दी गई है 1368 किलो हर्ट्ज, इसके बाद अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द स्पीड, ओके ये दिया गया, तो इन्होंने कहा है कि पूछा क्या है, पूछा है इन्होंने बोली भाई क्या पूछा है इन्होंने बोलो भाई वेवलेंथ इन्होंने पूछा है, क्या पूछा है वेवलेंथ, एनसीईआरटी में 2.3 एग्जांपल बिल्कुल एज इट इज है कोई चेंजमेंट नहीं, आंसर इन्होंने निकाला है 219
3 मीटर। तो आंसर अगर आप देखें तो 219.2, 219.3, तो आंसर 219.3 होगा। इतना क्लोज आंसर था, अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ा होता तो डायरेक्ट आंसर कर सकते थे और उसका सोल्यूशन भी दिया गया है। नेक्स्ट, एथिलीन डाई अमीन टेट्राएसीटेट आयन EDTA, और यहाँ पे आयन है यानी कि वो EDTA होता क्या है मैं आपको बता दूं। EDTA होता है एक्चुअली एथिलीन, एथिलीन और डाइअमीन, एथिलीन डाइअमीन और टेट्राएसीटेट आयन, देख लीजिएगा प्लीज। ये होता है एक एसीटेट, दो एसीटेट और यहाँ पे N, तीन एसीटेट और चार एसीटेट। तो यहां पे ये पूछ रहा है किस टाइप का लिगेंड, हालांकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा प्लीज। EDTA देखो लिखा है, EDTA इज इंपॉर्टेंट हेक्साडेंटेट लिगेंड। देखिए ना आंसर ये हेक्साडेंटेट लिगेंड, आप देख लीजिएगा हेक्साडेंटेट लिगेंड ऑक्सीजन और टूट, ओके तो यही हो जाएगा हेक्साडेंटेट लिगेंड, ऐसा कहीं दिया ही नहीं गया, आंसर हो गया। हालांकि एक लोन पेयर यहां से मिलता है, एक यहां से, 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 तो ऐसे करके हेक्साडेंटेट मतलब छह लिगेंड आपको देता है एक EDTA। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, ये कह रहा है एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड, डायरेक्ट एनसीईआरटी में 12th के एनसीईआरटी में दिया गया बॉन्ड एंथैल्पी, देखिएगा CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3H। बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी है, CH3F की, उसके बाद CH3Cl की, CH3Br की, CH3I की। तो देख लीजिएगा कौन सा हो जाएगा, सबसे ज्यादा CH3F की, Cl की कम, उसके बाद भी आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है PKB ऑफ डाइमेथिलामीन, PKA ऑफ एसिटिक एसिड, दोनों का दिया, एक का दिया है PKB, ये पहला वाला है PKB, दूसरा वाला है PKA, बोलो। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, करेक्ट ऑप्शन फॉर द PH, PH पूछा गया है, हमें मालूम है PKA, देखिए एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया है PKA एसिटिक एसिड, PKB अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों का दिया गया है और यहाँ पे PH पूछा गया है, बिल्कुल सेम टू सेम सर, डेटा चेंज है, हम चाहो तो लगा के बता सकते हैं। तो PH इक्वल टू हो जाएगा 7+1/2, PKA, PKA यहाँ पे कितना दिया गया है, ये 4.7777 और माइनस का PKB ये दिया गया 3.27। इसको सॉल्व कर ले क्या आ जाएगा, बोलो भाई इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आपका आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 7.75, आंसर आपका आ जाएगा 7.75। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ द बैरियम क्लोराइड इन सॉलिड फेज, देखिए बैरियम क्लोराइड BeCl2 सॉलिड फेज में पूछा गया और बैरियम क्लोराइड का वेपर फेज में पूछा गया। तो देखिए एनसीईआरटी में साफ उन्होंने कहा है कि बैरियम क्लोराइड, यहां पे देखिए बैरियम हैलाइड्स आर सॉलिड रॉक, ये देखो नीचे लिखा है बैरियम क्लोराइड हैज अ चेन स्ट्रक्चर, कब, जब वो सॉलिड स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में चेन स्ट्रक्चर होगा, और बैरियम क्लोराइड वेपर फेज में अगर होगा तो वो ब्रिज डाइमर बनाता है। देखिए डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, यानी कि क्या कह रहा है, चेन बनाता है, डाइमर बनाता है, चेन कब बनाएगा, जब बैरियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में होगा और वेपर फेज में क्या बनाता है, डाइमर, तो आंसर हो जाएगा 1। तो ध्यान दीजिए देखो दोस्तों, हमने आज 25 क्वेश्चन 2021 नीट के सॉल्व किए हैं विथ एविडेंस ऑफ एनसीईआरटी, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग फिर से मिलते हैं, और ये वीडियो बनाने का मेरा सीधा सीधा उद्देश्य यही है कि आप एनसीईआरटी पे फोकस करें, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उसके एग्जाम्पल तैयार करें, उसके इंडेक्स तैयार करें, ओके। थैंक यू दोस्तों, जय हो।